हर साल लोग कश्मीर और लद्दाख घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेवलर्स सियाचिन भी जाने की इच्छा रखते हैं। हर ट्रेवलर्स या ब्लॉगर का सपना होता है वहाँ जाना, क्योंकि उन्हें एडवेंचर काफी पसंद होता है। पहले वहाँ जाने की ख्वाहिश हर किसी की पूरी नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ के लिए आपको खास परमिट की जरूरत होती थी, लेकिन अब आप बिना किसी परमिशन के वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि लद्दाख के पर्यटन विभाग ने ऐलान किया है कि भारतीय पर्यटक अब सियाचिन बेस कैंप के पास ट्रेवल कर सकते हैं। 20,062 फीट ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सियाचिन बेस कैंप हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर के बेस पर मौजूद है। 12,000 फीट से लेकर 15,000 फीट तक का क्षेत्र आम लोगों के पर्यटन के लिए खुला है। 15,000 फीट तक आप घूम सकते हैं, उससे ऊपर अभी भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। नुब्रा घाटी में स्थित सियाचिन बेस कैंप सबसे दिलचस्प पर्यटन स्थलों में से एक है। सियाचिन बेस कैंप लेह शहर से उत्तर की ओर लगभग 6 घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन यहां आने के लिए आपको जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है यहां का टेम्परेचर। यहां का टेम्परेचर कश्मीर और लद्दाख से बिल्कुल अलग है। यहां का तापमान दिन में -21 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रात में पारा -32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। कभी कभी यहां का तापमान -60 डिग्री भी चला जाता है। ऐसे में हमारे वीर जवान मौसम से जंग लड़ते हुए सीमा की सुरक्षा करते हैं। अगर आप यहां धन में घूमना चाहते हैं तो आप सर्दियों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहां का टेम्परेचर सर्दियों में -60 डिग्री भी चला जाता है। मई जून में थोड़ा टेम्परेचर ठीक रहता है, तो आप गर्मियों में यहां आ सकते हैं। जब भी आप यहां आने की सोचे तो आप सबसे पहले अपनी सेहत जरूर देखें। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप यहां ना आए, क्योंकि यहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और गर्मियों में भी काफी सर्दी होती है। यहां पर जब भी आप आओगे तो जिला प्रशासन आपसे पर्यावरण का चार्ज करेगा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप दुनिया की नई और अनोखी जगह पर घूमने का सपना साकार कर सकते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।